अब आज का हमारा टॉपिक है म्यूजियम टेक्निक। म्यूजियम टेक्निक क्या होती है? देखिए म्यूजियम टेक्निक क्या होती है, पैथोलॉजी म्यूजियम डिस्प्ले कॉमन स्पेसिमेन। पैथोलॉजिकल जो म्यूजियम होता है वहाँ पे कुछ एक स्पेसिमेन होता है, ठीक है, कॉमन स्पेसिमेन या रियल स्पेसिमेन होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए काम आता है। और वहाँ पे ना फोटोज़ भी होती है बहुत सारे साइंटिस्ट की या फिर पैथोलॉजिस्ट की जिन्होंने काम किया वहाँ पे। तो कुछ नहीं है, तो कुछ मतलब सैंपल्स होंगे कॉमन या फिर मतलब रेयर सैंपल, जो कि मतलब है ना बच्चों को पढ़ाने होंगे जैसे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की टीचिंग के लिए, या फिर साइंटिस्ट की फ़ोटो होगी या पैथोलॉजिस्ट की फ़ोटो होगी। तो देखिए पर्पज़ क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को अपन रिकॉर्ड कर पाए, रिसर्च कर पाए उन स्पेसिमेंस से, एग्जीबिशन हो पाए उन मटेरियल का, और एजुकेशन के लिए, ठीक है। बेसिक टेक्निक्स, बेसिक म्यूजियम टेक्निक्स होती कौन कौन सी? तो देखिए छह टेक्निक होती है, ये अगर आपको छह याद है तो आप म्यूजियम टेक्निक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली हो रही है रिसेप्शन, दूसरी हो रही है प्रिपरेशन, तीसरी फिक्सेशन, चौथी रिस्टोरेशन, पांचवी प्रिजर्वेशन और छठी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अपन एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं रिसेप्शन से। रिसेप्शन क्या है? टीचिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च लैब। रिसेप्शन मतलब पहला यहाँ पे स्टेप है, छह स्टेप में है अपने म्यूजियम टेक्निक। कौन कौन सी? रिसेप्शन, प्रिपरेशन, फिक्सेशन, फिर आ जाएगी अपने रिस्टोरेशन, फिर प्रिजर्वेशन और फिर प्रेजेंटेशन, ठीक है। RPF RPR, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, RPF और RPP, ठीक है। तो सबसे पहले आर से आएगा रिसेप्शन, ठीक है। तो रिसेप्शन में क्या है, टीचिंग है हॉस्पिटल और रिसर्च लैब की, और स्पेसिमेन कौन कौन से होते हैं जो कि हम ऑपरेशन थिएटर से ले सकते हैं, पोस्टमार्टम सैंपल से ले सकते हैं, या फिर है ना रिसर्च लैब स्पेसिमेन से ले सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, रिसेप्शन में हम सैंपल ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, तीन जगह से ले रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर से ले रहे हैं पहला हम सैंपल, दूसरा कहाँ से ले रहे हैं हम मतलब सैंपल, दूसरा हम पोस्टमार्टम सैंपल ले रहे हैं, तीसरा हम लैब से ले रहे हैं रिसर्च लैब स्पेसिमेन, और उस पर अपन चेक करते हैं डिटेल, मतलब है ना सैंपल पे कौन कौन सी डिटेल मेंशन है या नहीं, नेम होना चाहिए, डेट ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए, कलेक्टर का नाम होना चाहिए, और ना मतलब नेम गिव अ नंबर एंड रिकॉर्ड ऑल डिटेल इन अ बुक, और वो सारे चीज़ें हमें किताब में रखनी है। क्या क्या चीज़ें रखनी है, नेम, डेट ऑफ कलेक्शन और कलेक्टर का सब कुछ, ठीक है, कलेक्टर के बारे में डिटेल्स, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। दूसरा आता है प्रिपरेशन में, हम क्या करते हैं, एक आइडियल स्पेसिमेन इज रिसीव फ्रेश। अब देखिए प्रिपरेशन से सबसे पहले देखिए, अगर हमें कोई स्पेसिमेन मिलेगा आइडियल स्पेसिमेन तो हमें वो फ्रेश मिलता है, बट ये होता है आइडियल सिनारियो में कि फ्रेश मिलेगा कोई स्पेसिमेन अनफिक्स्ड, किसी से कुछ मतलब है ना, इसमें मतलब कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर पर अपने पास आएगा, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। हमें क्या, हिस्टोपैथोलॉजी सैंपल मिलता है, तो जहाँ पे ये जो टिश्यू होता है ना इसको हम मतलब हिस्टोपैथोलॉजी से मिलेगा तो हम फॉर्मलिन से फिक्स करा हुआ ही मिलता है, तो उस फॉर्मलिन को हम निकाल देते हैं, किससे कर तो उसको निकालते हैं सलाइन से। तो देखिए प्रिपरेशन का ये है, सबसे पहले अपने प्रिपरेशन में ये लिखना है कि एन आइडियल स्पेसिमेन इज रिसीव्ड फ्रेश इन अनफिक्स्ड स्टेट। अनफिक्स्ड स्टेट में आइडियल स्पेसिमेन हमें मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रॉस रूम ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, बट प्रैक्टिकली हमें ये हिस्टोपैथोलॉजी के ग्रॉस रूम से मिलता है, ग्रॉस रूम मतलब जहाँ पे काटा कुटी होती है, आफ्टर बींग एग्जामिन्ड, जो वहाँ पे पहले एग्जामिन होता है फिर उसके बाद हमें मिलता है, दस इट इज ऑलरेडी फॉर्मिल फिक्स्ड। तो इसमें मतलब अगर वहाँ से मिलेगा तो ऐसे तो है नहीं, वहाँ पे काटने वाले रूम से मिलेगा तो डायट वो काट मतलब डायट काट थोड़ी देर उसको फिक्सिटी में रखना पड़ता है, तो ये फॉर्मलिन फिक्स मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे सलाइन के साथ ताकि फॉर्मलिन का इफेक्ट ना रहे। पहला प्रिपरेशन का तो ये हो गया कि भाई पहले अपन को प्रिपरेशन के लिए ये करना पड़ेगा, और प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, हमें है ना सैंपल को थोड़ा टर्न मतलब जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ये सैंपल है, ये आइडियली ये ऐसा ही है, ठीक है, तो हमें अब वहाँ पे इस प्रिपरेशन के लिए इसको थोड़ा मोड़ना या काटना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों, देखिए इफ सैंपल इज नॉट डिस्कॉटेड मतलब भी ये होता है मोड़ना या तोड़ना मतलब काटना, ठीक है, तो ये सैंपल जैसा है वैसा वैसा रहेगा तो काम का नहीं, इसको हमें थोड़ा सा मोड़ना या काटना पड़ेगा, ट्विस्ट करना ही पड़ेगा, इसको अपनी नेचुरल फॉर्म से अपने चेंज करना पड़ेगा। कैसे, अगर वो चेंज नहीं हुआ नॉट डिस्कॉटेड मतलब उसको मोड़ा हुआ नहीं है, देन इट शुड बी बाइसेक्ट, तो हमें उसको काटना पड़ेगा
अगर ये मोड़ा हुआ नहीं है या कुछ कुछ नहीं किया हुआ इसको, तो हमें इसको काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा? दो हाफ में एक। अब जैसे मैं इसको दो हाफ में बांट देता हूँ, तो एक हाफ तो रह जाएगा अपने इस म्यूजियम के लिए ये वाला, और दूसरा हो जाएगा बहुत सारे सेक्शंस के लिए, जैसे किडनी हो गई। अब किडनी है ये, तो एक तो अपन म्यूजियम में रखेंगे और मतलब किडनी काट देंगे, और एक अपने म्यूजियम के लिए रख जाएगा, और एक दूसरे सेक्शंस के लिए। अब इसमें और भी कुछ भी स्टेनिंग वगैरह करनी होगी तो हम कर देंगे, तो हमें वहाँ पर डिस्कॉर्टेट करना ही पड़ेगा दूसरा, अदरवाइज देर शुड बी मिनिमम डिस्कॉर्ट। अगर हम तोड़ नहीं रहे, काट नहीं रहे, तो अभी हमें इस स्पेसिमेन को थोड़ा बहुत मतलब मोड़ना ही पड़ेगा, ताकि ताकि क्या हो, हम अब माउंट करें। माउंट में क्या होता है, हम स्पेसिमेन को इस तरह से रखें कि उसका हमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दिख पाए, तो हम माउंट करें तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ें, ताकि हमें चीज़ें इसके अच्छे से रिप्रेजेंट, एरिया जो ये एरिया है जहाँ पे हमें दिखाना है वो हमें अच्छे से दिख पाए। तो अदरवाइज देयर शुड बी मिनिमम डिस्कॉर्शन ऑफ स्पेसिमेन ड्यूरिंग ग्रॉसिंग। तो हमें थोड़ी बहुत मतलब तोड़ मरोड़ करनी ही पड़ेगी, डिस्कॉर्शन ऑफ स्पेसिमेन ड्यूरिंग ग्रॉसिंग काटते समय, सो दैट रिप्रेजेंटेटिव एरिया कैन बी डिस्प्लेड वेल, ताकि हमें रिप्रेजेंटेटिव एरिया अच्छे से दिख पाए। तो प्रिपरेशन में ये देखिए दो मेन चीज़ें हमें आइडियली मिलता नहीं है सैंपल ऐसा, अनफिक्स्ड स्टेज और फॉर्मेलिन फिक्स मिलता है, तो हमें सबसे पहले वॉश करना पड़ता है सलाइन के अंदर, और दूसरा हमें उसको थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, एक अपने म्यूजियम के लिए और दूसरा वेरी सेक्शन के लिए। और या फिर ऐसा ना हो तो भी हमें उसका डिस्कॉर्टेट तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है आपको प्रिपरेशन में, डिस्कॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन तो हमें ये करना ही पड़ेगा, ताकि हमें स्पेसिमेन का जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया वो अच्छा दिख पाए। सेकेंड स्टेप भी हो गया। फर्स्ट में क्या पढ़ा था अपन ने कि हम है ना मतलब रिसेप्शन है, मतलब है ना ये है ना हम कहाँ से लेते हैं सैंपल और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, और ये मतलब है ना ये होता क्यों है, ये ना रिसर्च लैब के और इनके टीचिंग के लिए होता है। दूसरे में अपन देखा हम क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसको है ना फॉर्मलिन हटा रहे हैं, मतलब वॉश कर रहे हैं लाइन के साथ, और उसको थोड़ा डिस्टॉर्शन कर रहे हैं उसका, या फिर ना डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं, ताकि हमें वो सैंपल अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तीसरा होता है फिक्सेशन। अब फिक्सेशन हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी बता दें फिक्सेशन को मतलब होता है प्रिजर्व करना सेल को, तो वहाँ पर म्यूजियम में भी प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो फिक्सेशन मतलब प्रिजर्व, तो टू प्रिजर्व सेल एंड टिश्यू कंसिडर इन लाइफ लाइक स्टेट एज पॉसिबल एंड टू अलाउ दैम टू अंडरगो फर्दर प्रिपरेटिव प्रोसीजर विदाउट चेंजेस। तो ये है, हमें लाइफ लाइक रखना है उनको, तो हम मतलब है ना ताकि वो हम आगे के जो प्रोसीजर है उसमें हम वो जैसा है वैसा वैसा रख सकें। और इट ऑल्सो प्रिवेंट टिश्यू फ्रॉम ऑटोलाइसिस, और ये टिश्यू को ऑटोलाइसिस से ही बचाता है फिक्सेशन। और अब बेना फिक्सेटर का वॉल्यूम 10 गुना होना चाहिए स्पेसिमैन, जैसे अगर स्पेसिमैन ये है तो आप इसका 10 गुना फिक्सेटिव अब इसके अंदर डालेंगे, इसको 10 गुना फिक्सेटिव होगा उसी का, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्सेटिव के अंदर हमें केसर लिंग 1 इंपॉर्टेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। और पहले बात अपन देख लें सॉल्यूशन, फॉर्मलिन बेस्ड टेक्निक यूज़ होती है, और मतलब टाइम जो कि डिपेंड करता है स्पेसिमेन पे, किडनी लिवर स्प्लीन पेनिट्रेशन रेट ऑफ फिक्सेशन इज वेरी स्लो कैप फॉर लॉन्ग टाइम। तो देखिए टाइमिंग का भी डिपेंड करता है कितनी देर तक फिक्सेटिव उसको फिक्सेटिव में रखना है, तो अलग अलग होता है। अगर हम मतलब जैसे मान ले किडनी और इनका थोड़ा क्या है ना पेनिट्रेशन टाइम, मतलब उन जैसे ये सपोज करें किडनी अच्छा मतलब ये जैसे पेन है और इसके अंदर इंक है, अब इंक इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है, तो वो पेनिट्रेट करने का किसी का टाइम जल्दी होता है और किसी कम होता है, तो ये किडनी और इनका लीवर का इनका पेनिट्रेट टाइम कम होता है, मतलब ये इंक सपोज करो फैलने या जैसे ये अंदर है अभी फैलने का टाइम, तो इनका टाइम कम होता है फैलने का इनके अंदर फिक्सेटिव, तो ये ज़्यादा समय लेते हैं। सॉल्यूशन कौन सा ये लेते हैं, केसरलिंग 1, ये यूज फॉर फिक्सिंग स्पेसिमेन कैप्ड सैंपल फॉर 24 आवर, तो ये 24 घंटे के लिए जो सैंपल रखा जाता है उसके लिए यूज होता है। और अब केसरलिंग 1 बनता कैसे है, तो फॉर्मलिन पोटेशियम एसिटेट पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर, इन चारों के से बनता है। 1 लीटर हम फॉर्मली ले लेंगे, पोटेशियम एसिडेट ले लेंगे 45 ग्राम्स, पोटेशियम नाइट्रेट ले लेंगे 25 ग्राम्स, और वाटर ले लेंगे 10 ml, ठीक है। अब रिस्टोरेशन एंड टिश्यू एज टिश्यू लॉसेज इट्स नेचुरल कलर ऑन फिक्सेशन इट नीड्स टू बी गेट बैक नेचुरल कलर। हाँ, अब जैसे हम है ना फिक्सेशन में डालेंगे तो टिशू का थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें उसको वापस जैसा वो कलर का था, जैसे मेरी उंगलियां ब्राउन है और हमने इसको फिक्सेटिव डाला और ये रेड हो गई, तो हमें वापस अगर हमें लोगों को दिखाना है या फिर रिसर्च, तो वो जैसा उसका कलर है वैसा ही रहना चाहिए, तो उसको कलर को वापस लाने को ही स्टेप को बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो ये इसमें यूज होता है केसरलिंग 2, केसरलिंग 1 तो यूज होता है फिक्सेटिव के लिए, केसरलिंग 2 यूज होता है अपने रिस्टोरेशन के लिए। तो देखिए
तो जैसे ही कलर लूज कर लेगा तो उसका नेचुरल कलर वापस लाने को स्टेज को बोलते हैं रिस्टोरेशन। और केसरलिंग टू यूज होता है फॉर रिस्टोरिंग कलर कैप फॉर 1 to 4 आवर, मोर देन 4 आवर स्पेसिमेन कोड विल कलर विल फेड। तो हमें 1 से 4 घंटे तक रखना होता है, अगर 4 घंटे ज़्यादा रखेंगे तो कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, मतलब कलर गायब मतलब जाना शुरू हो जाएगा। अब तो केसरलिंग टू कैसे बनता है, एल्कोहल जिसको हम 2 से 8 घंटे 80% एल्कोहल जो इथाइल एल्कोहल होता है कैप 2 to 8 आवर डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ स्पेस, उनको हम 2 से 8 घंटे रखना होता है और डिपेंड करता है किसी में 2 घंटे में हो जाएगा, किसी को 6 में हो जाएगा, किसी में 8 में हो जाएगा। तो वो रखते हैं, वो उस कॉन्टेंट से बनता है ये अपना केसलिंग टू जो कि काम आता है रिस्टोरेशन के लिए। तो हमने 4 स्टेप देख लिए, ठीक है। पहला अपने अपने देखा रिसेप्शन जहाँ पे वो टीचिंग वगैरह के लिए यूज होता है और कहाँ सैंपल लेते हैं और सैंपल में क्या क्या चीज। दूसरा अपन देखा प्रेजेंटेशन, तो उसमें हमने देखा कि भाई है ना मतलब फॉर्मेलिन मतलब आता है तो उसको निकालना होता है और डिस्टॉर्शन करना होता है। तीसरा हमने क्या देखा फिक्सेशन देखा हमने। तीसरा फिक्सेशन कौन सा यूज होता है, केसरलिंग 1 यूज होता है, फिक्सेशन यूज इसलिए होता है ताकि हमें लाइफ लाइक कंडीशन में रखें। चौथा हमने देखा रिस्टोरेशन, अब अपना फिक्सेशन यूज करेंगे तो उसका कलर चला जाएगा तो केसरलिंग 2 यूज करेंगे तो यही है। अब पांचवा हम देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में क्या है, रिकमेंडेड सॉल्यूशन है केसरलिंग 3, केसरलिंग 3 यहाँ पे यूज होता है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन इन विच स्पेसिमेन रिमेन फॉर डिस्प्ले, ये फाइनल सॉल्यूशन है जहाँ पे स्पेसिमेन को हम रखा जाता है मतलब लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन केसरलिंग 3 यूज होता है प्रिजर्वेशन के लिए। अब इसमें भी जैसे केसरलिंग 1 में भी हम ये यूज कर रहे थे पोटेशियम एसिटेट, इसमें भी करते हैं पर इसमें 1416 ग्राम यूज कर रहे हैं और ग्लिसरीन यूज कर रहे हैं 4 लीटर और डिस्टिल वाटर कर रहे हैं 10 ml। तो थाइमोल क्रिस्टल्स एडेड टू प्रिवेंट मोल्ड्स, थाइमोल क्रिस्टल भी हम ऐड करते हैं ताकि ये मोल्ड ना बने। लीव सॉल्यूशन फॉर 2 to 3 डेज बिफोर यूजिंग टू एंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। और हम ये इस जो केसरलिंग है उसमें 2 से 3 दिन छोड़ देते हैं बिफोर यूजिंग टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ केमिकल, ताकि इन केमिकल्स का प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए। एड 1% पिरिडीन एज स्टेबलाइजर, और हम 1% पिरिडीन भी यूज करते हैं स्टेबलाइजर के रूप में। अब आता है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन हमने देखो 5वां स्टेप देख लिया, प्रिजर्वेशन क्या करेंगे केसरलिंग 3 के अंदर करेंगे और उसको 2 से 3 दिन के छोड़ देंगे और 1% हम मैंने पिरिडीन भी यूज करते हैं और इसकी ये जो ये इसकी प्रिपरेशन जिसमें पोटेशियम एसिटेट ग्लिसरीन और डिस्टिल वाटर है। अब आता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में क्या है, स्पेसिमेन इज केप्ड इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास जार कवर्ड बाय रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट। तो हम है ना इसमें स्पेसिमेन को हम रेक्टेंगुलर ग्लास जार से कवर्ड करते हैं जो कि रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट से बना हुआ मतलब होता है। और नाउ अ डे परप्लेक्स जार, ये याद करना, परपेक्स जार यूज होता है जो कि लाइटर होता है ग्लास जार से, बट स्पेसिमेन फिक्स्ड इन अल्कोहल और मिथाइल एसिटेट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन दिस जार। बट जो अल्कोहल से फिक्स होता है या फिर मिथाइल सिलेटेड से जो होता है फिक्स, उनको हम इन जार में नहीं रख सकते। बाकी परप्लेक्स जार नाम भी यूज होते हैं और पहले हमें ग्लास जार यूज होते थे जिनमें ग्लास प्लेट से कवर्ड होते थे। तो ये होगी प्रेजेंटेशन, तो ये हो गया अपना पूरा के पूरा कंप्लीट म्यूजियम टेक्निक। आप कहो तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं अपन, देखिए रिवीजन में कुछ नहीं है, पहला अपन ने देखा रिसेप्शन, म्यूजियम टेक्निक में यही है रिसेप्शन। दूसरा अपन ने देखा प्रिजर्वेशन नहीं देखा भैया। दूसरा अपन ने देखा प्रेजेंटेशन, तीसरा अपन ने देखा फिक्सेशन, चौथा अपन ने देखा रिस्टोरेशन, पांचवा देखा अपन ने प्रिजर्वेशन, छठा देखा अपन ने प्रेजेंटेशन। अब पहले में क्या था, सैंपल कैसे लेते हैं क्या है क्या नहीं, प्रेजेंटेशन में क्या था, प्रेजेंटेशन में हम फॉर्मेलिन को हटा रहे थे। फिक्सेशन में क्या था, फिक्स कर रहे थे केसरलिंग 1 में। फिर रिस्टोरेशन में क्या था, कलर जो फिक्सेशन से कलर उड़ जाता है वो वापस कलर ला रहे थे। फिर तो कलर के लिए अपन केसरलिंग 2 यूज़ कर रहे थे। फिर
फिर प्रेजेंटेशन में क्या था, केसर लिंक 3 यूज़ कर रहे थे, जो मतलब है ना आखिरी सॉल्यूशन था जो कि डिस्प्ले किया जाता है, और इसमें क्या है 2 से 3 मतलब है ना दिन तक रखते हैं ताकि अच्छे से हो जाए, और पायरिडीन यूज़ करते हैं स्टेबलाइजर के रूप में। फिर लास्ट में क्या था, लास्ट में यही था प्रेजेंटेशन में, प्रिजर्वेशन नहीं रहा, प्रेजेंटेशन में क्या है ग्लास जार में रख दिया, और अभी हम पर्सप्लेक्स जार यूज़ करते हैं। ये हो गया अपने म्यूजिंग टेक्निक।